लखनऊ में पासी सेना मिशन ने निकाला कैंडल मार्च। द ग्रेट पासी सेना मिशन के प्रदेश अध्यक्ष सुखराम रावत, राष्ट्रीय संगठन मंत्री राममिलन रावत एवं संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं उत्तर प्रदेशीय पासी जागृति मंडल के अध्यक्ष रामकृपाल रंजीत कुमार रावत महामंत्री के नेतृत्व में पुष्प अर्पित और कैंडल मार्च निकाला गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जहां पूरे देश ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया था, वहीं अवध के इतिहास को शहादत के खून से अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी ने रंगा था और 36 अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारकर 16 नवंबर 1857 को शहीद हुई थी। ऐसी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी के शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर सफेद बरादरी के बगल में स्थित अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पार्क पर उत्तर प्रदेशीय पासी जागृति मंडल एवं पासी समाज के समस्त सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा पासी समाज द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा के पश्चात कैंडल मार्च करते हुए सिकंदर बाग चौराहे पर स्थित अमर शहीद वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से वीरांगना उदा देवी पार्क में लगे बोर्ड में अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी लिखने व पार्क में वीरांगना उदा देवी पासी की आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया। द ग्रेट पासी मिशन के पदाधिकारी कार्यकर्ता पासी समाज के समस्त सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। अशोक कुमार, लखनऊ, समाचार 24। हाँ मैं सुखराम रावत, द ग्रेट पासी सेना मिशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज वीरांगना उदा देवी पासी जी के शहीदी दिवस की पूरी संध्या पर कैंडल मार्च का आयोजन किया है और इसमें मूर्ति लगवाने का और नाम में त्रुटि है उसको सही कराने के संबंध में ज्ञापन भी देने का काम करेंगे। और पासी समाज के ये बहुत गौरवशाली दिन है हमारे लिए कि ऐसी महिला हमारे समाज में थी जिन्होंने 36 अंग्रेजों को मार गिराया और उनका अभी तक सरकार या वनवादी विचारधाराओं के लोगों ने इतिहास को उजागर नहीं किया, आज पता चला है। और अब पासी सेना मिशन पासी समाज के और भी इतिहास को खोजने का काम करेगा और इनके ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए भी प्रयत्न रहेगा। हाँ बताएं बताए। मैं राम मिलन रावत, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, दागरे पासी सेना मिशन। हम लोगों का आज जो ज्ञापन देना है उदा देवी शहीद दिवस पे, पूर्व संध्या पे हम लोग जो है कैंडल मार्च निकाल के सिकंदर बाग चौराहे तक पहुँचेंगे, जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा श्रीमान जिला अधिकारी महोदय लखनऊ, महोदय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के कैसरबाग निकट भटखंडे संगीत महाविद्यालय कैसरबाग स्थित पार्क वीरांगना उदा देवी पासी, जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में 36 अंग्रेजों को मार गिराया था, नाम से घोषित किए जाने पर पासी समाज हृदय से धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता है। इसी के साथ जागृत पासी सेना मिशन उपरोक्त पार्क से संबंधित निम्नलिखित मांग करता है। उपरोक्त पार्क में अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी जी की विशाल भव्य मूर्ति की स्थापना सरकार द्वारा की जाए, क्योंकि जिन महान पुरुषों के नाम पर पार्क का नाम रखा गया उन महान पुरुष की इस मूर्ति में मूर्ति स्थापित करना आवश्यक है। उपरोक्त पार्क में प्राधिकरण द्वारा लगाए गए बैनर में वीरांगना उदा देवी नाम लिखा हुआ है, जिसमें संशोधन कराकर अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी पत्थर पर लिखवाया जाए, इसे कभी मिटाया ना जा सके। मूर्ति के साथ साथ एक शिला पर अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी द्वारा 36 अंग्रेजों को मारने का इतिहास अंकित किया जाए, जिससे हमारे समाज की महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा। अतः श्रीमान जी से अपेक्षा है कि उपरोक्त मांगों को स्वीकार करते हुए उन पर प्रभावी कार्रवाई करने की कृपा करें। इसी के लिए पासी समाज वर्तमान सरकार का
सदैव आभारी रहेगा। मथुरा के महावन में